तो कैसे हैं आप लोग? पता है मैं ना यार YouTube से बोर हो चुका हूँ और तुम लोग भी कमेंट्स में कुछ खास बेइज्जती नहीं मार पा रहे हो। हेटर्स, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी जिंदगी का मकसद भूल गए? खुद तो आगे नहीं बढ़ना और दूसरों को हलवा है क्या? इसलिए मैं एक ऐसी वेबसाइट पे गया जहां जो बंदा किसी से बात नहीं करता उसके भी 1500 फ्रेंड्स हैं। फेसबुक। इस साइट पे फेमस होने के लिए तुम्हें बहुत टैलेंट की जरूरत है, क्योंकि दूसरे लोगों के दोस्तों को टैग कराना कोई आसान काम नहीं है। टैग दैट फ्रेंड जो हरामी है, टैग दैट फ्रेंड जो चूतिया है, टैग दैट फ्रेंड जिसका साबुन स्लो है, टैग दैट फ्रेंड जिसके घर में अभी भी फॉग चल रहा है, टैग दैट फ्रेंड जो टट्टी करते वक्त अपना लंट पकड़ता है। टैग 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 टैग। और जो लोग सही में अपने दोस्तों को टैग करते हैं ना, अरे भैया तुम्हें पता है तुम लोगों ने क्या किया है? एक दीवार है जिसपे लिखा चूतिया, तुम लोग उसे अपने सर से फोड़ के आगे बढ़ गए। दो दोस्तों को टैग करेंगे, परमिंदर जगजीत, दो लाफिंग इमोजी। मतलब इस देश के कोने में एक ऐसा बंदा बैठा है जो समोसों से अपनी झाट खुजा रहा है, फिर उसी पकवान का मजा ले रहा है। तुम उसकी बात मान रहे हो, तुम उसके कहने पे दो बंदों को टैग कर रहे हो, खटाखट चल गए तुम्हारे हाथ। लेकिन दूसरी साइड तुम्हारी मम्मी तुमसे कहती है, बेटा प्लीज जरा पैर दबा दो, तब क्यों नहीं चलते तुम्हारे हाथ। खैर आज मैं तुम लोगों को एक मस्ती से मिलाने वाला हूं। उस मस्ती का नाम है नुमान खान, द लेजेंड नुमान खान। ओह, कितनी गर्मी है ना गाइस आजकल। खैर दिस इज मी, आपका अपना नुमान खान द लेजेंड। आज आपका लेजेंड, आपका अपना नुमान खान आप लोगों को एक बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने आया है। Please don't call me anymore. Don't call me. और अब तो आपके इमरान खान, अब तो आपके बल्ले में भी कोई दम नहीं। I mean 10 crore से नीचे मैं एक रुपया नहीं लूंगा आप लोगों से, ठीक है? 10 crore में डील डन करें, अदरवाइज आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी होता हूँ। जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना, तो यार मैं सोच में पड़ गया, इस अफगानी शॉप पालने वाले इंसान की बनावट कैसे हुई होगी। नहीं मतलब क्या रहा होगा इसकी जिंदगी में जो ये ऐसा है। खैर पेशे से ये फक बॉय है। आओ इसके कुछ जलवे देखते हैं। सबसे पहले ये क्रीम रोल का रिव्यू कर रहा है। सो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये बात मैं तुम लोगों को पहली बता दूं, ये पहला रोल नहीं है जो इसने खाया हो और उसमें से क्रीम निकली हो। ये देखें कितना मोटा था, कितना बड़ा था, कितना छोटा सा रह गया। जब कोई छोटा बच्चा इससे पूछता ना, भैया आपकी वो पैंट ऐसे से जिसकी वजह से हो रखी है वो कैसा है? ये देखें कितना मोटा था, कितना बड़ा था, कितना छोटा सा रह गया। अब ये फक बॉय इस दुनिया का नहीं है, ये बात तुम्हें आगे जाके धीरे धीरे पता चलेगी और अंत में ये बात साबित हो जाएगी यहाँ की पैदाइश नहीं है ये। शाहरुख खान माई लव, दिस इज मी नुमान खान, आपका अपना नुमान खान। और मेरी जान, मैं आ रहा हूँ, इंडिया आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच बेबी कि आपने मुझे वीजा भेज दिया, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे क्या भेज दिया। थैंक यू सो मच बेबी कि आपने मुझे वीजा भेज दिया। बहुत गलत फहमी पाल रखी है ये शाहरुख खान को ट्विटर पे अपनी नंगी फोटो, डिक पिक्स, नूड्स आदि भेजता था, तो इसलिए शाहरुख खान ने उसे लीगल वार्निंग भेजी और ये भोसड़ी का उसे वीजा समझ रहा है। क्या करूं? इम्प्रोवाइजेशन क्या करूं? मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें 10 मिनट अपनी लाइफ के जरूर दूंगा, बिकॉज मैं इंडिया में बहुत ज्यादा, मेरी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। ये बात कहीं से भी कह रही है, मैं सेंस बना रही हूँ। ये शाहरुख खान को अपनी जिंदगी के 10 मिनट देगा, मुझे नहीं पता उस 10 मिनट क्या होगा, लेकिन ये काम ये इसलिए करेगा क्योंकि इंडिया में इसकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। आओ देखते हैं फक बॉय इंडिया पहुंचे या नहीं। यार ये मैं फक बॉय बोलना बंद कर, अजीब लगता है।
मैं नहीं आ सकता इंडिया, क्योंकि मैं आज एयरपोर्ट पे गया था, मेरी फ्लाइट थी और मुझे मेरे फैंस ने वहां पे देख लिया और मेरे साथ सेल्फीज बनाना शुरू कर दी। पागल है, सेल्फी कैसे बना सकता कोई? सेल्फीज बनाना शुरू कर दी। इन्हीं वजह से लोग कुत्ते बने फिर रहे हैं। वो कौन सा ऐप है? स्नैपडील। 4 hours लग गए मुझे वहां पे और मैं बहुत ज्यादा, मेरे सर में हेडेच हो गई है बहुत ज्यादा। क्या बोले जा रहा है यार, 4 hours हेडेच? ये वही बच्चा है जो एलगार्ड को ऑक्सीजन मास्क की तरह पहनता है। 4 साल तक नशा मुक्ति केंद्र में बर्थडे पार्टी बनाई है इसने, स्कूटी की सीट ऊपर करके पेट्रोल सुनता है चूतिया, और गली के बच्चे से टाइटस बुलाते हैं क्योंकि जब भी इसे कोई पीछे की तरफ से देखता है ये अपनी गांड भींच लेता है। और जब एयरपोर्ट के ऊपर पायलट को पता चला कि दी लेजेंड नुमान खान उनके साथ सफर करने वाले हैं, तो वो तो बस बहुत ज्यादा परेशान हो गए और खड़ा हो गया उनका। और जब एयर होस्टेस पानी लेके आई तो कहते, प्यास वही बुझा सकता है जिसने लगाई हो, नुमान खान दी लेजेंड नुमान खान। Oh my God, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ guys, बहुत ज्यादा। Okay, bye, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। Bye, I'm not coming. वाह, ऐसी परफॉर्मेंस के लिए तो इस फक बॉय को ऑस्कर मिलना चाहिए। हिप सिप सुरे, हिप सिप सुरे, हिप सिप सुरे। Hi guys, today I'm so much excited. बहन चोद, ये क्या कर दिया मैंने? एंड सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जलने वाले का मुंह काला। दूसरी बात, जलीना जूली बेबी, थैंक यू सो मच। जलीना जूली, जलीना जूली दलाल। अरे सब सुन लिया पुण्य। ए जलीना, वो बदस्मी कवर्ड किसको दे रहे तूने? अरे बिंटट्टे को देने का था रे, देख कैसे नाच रहे चिक डलन। सुरे हिप सिप सुरे, हिप सिप सुरे। जलीना आज तू दे, आज अपुन तेरे साथ डबल ट्रबल खेलेगा। तुमको क्या लगा रही, क्या खेलेगा अपुन? नाली से बाहर निकल, नाली से बाहर निकल रहे वो भेजा। गाइस एक्चुअली मैं नुमान खान से काफी इंस्पायर हुआ हूँ। के बेबी मेरी जान, नान पान कमाल और खान, लव यू बेबी। ओह थैंक यू सो मच, तुमने मुझे दुबई का वीजा भेज दिया है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। देखो मैंने पैकिंग भी चालू कर दी है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आने वाला हूँ, हम एक दूसरे की गांड में डाल सकते हैं इसे, मैं बहुत खुश हूँ। गाइस मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरी दुबई की फ्लाइट थी लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरा लंच चूसने लग गए। मुझे 4 hours लग गए वहां, 4 hours। और जैसे ही एयरपोर्ट पे पायलट को पता चला कि लेजेंड हिमसेल्फ आ रहे हैं, उसने चलते प्लेन से छलांग लगा दी। मेरा हेड में दर्द हो रहा है, हेडेच हो रहा है मुझे। कमाल बेबी, केयर के बेबी, आई लव यू, लेकिन मैं दुबई नहीं जा सकता, अब ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बाय। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 150,000 लाइक्स के लिए, जल्दी कर दो यार, यार छक्का बनाओ, कर दो यार। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, उससे ज्यादा है हमारे 1 million हो चुके हैं, उसके लिए सब लोगों को दिल से थैंक यू यार। 2 साल पहले मैं इस नंबर का सपना देखने की हिम्मत नहीं करता था लेकिन हमारे फाइनली हो चुके हैं। खैर यार अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सायोनारा, शब्बा खैर, अलविदा, बाय। मोहित, ये नाभि में बेबलेट घुमाने को किसने कहा है? आज के संभाषण में हम वर्णन करेंगे का। आखिर ये चूतिया कौन है? पान, गुटका, तमाकू च्यू करके यहां वहां थूकने वाले को चूतिया कहते हैं।